आज गांव के बाजार में बड़ी हलचल थी, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला था। तभी वहां से गुजर रही एक छोटी लड़की अपनी बड़ी बहन से, अरे दीदी, ये बाजार में इतनी ज्यादा हलचल क्यों है? क्या कोई त्योहार आने वाला है? तुम्हें नहीं पता, रक्षाबंधन आने वाला है। क्या? ये रक्षाबंधन क्या है? मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे तो आपने कभी नहीं बताया। तुम जानकर क्या करोगी? क्योंकि हम लोगों का तो कोई भाई नहीं है ना, और हम लोग रक्षाबंधन कैसे मनाते? जिन बहनों के भाई होते हैं वो अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधते हैं, और ये त्योहार भाई बहन का होता है। और ये कहते हुए मीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीनू लगभग 18 वर्ष की एक लड़की थी और उसकी बहन 8 वर्ष की थी। उसकी बहन का नाम रेनू था। रेनू जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसी सदमे में उसके पिता की भी मौत हो गई। और तब से मीनू ने अकेले ही अपनी बहन को पाला और इस वजह से वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और फिर वो दोनों बहनें घर पर आ जाते हैं। अगले दिन मीनू घर पर काम कर रही होती है, तभी उसके घर पर बगल में रहने वाली रोशनी आती है। रोशनी की शादी हो चुकी थी और वो रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने ससुराल से मायके आई थी। रोशनी को देखकर रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे दीदी, देखो कौन आया है। कौन आया है? और जब वो रोशनी को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे रोशनी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, और तुम बताओ, तुम लोग कैसे हो? सोचा तुम लोगों से मिलाऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद काफी देर तक रोशनी और मीनू मिलकर बातें करते रहते हैं और रेनू उनकी बातें सुनती रहती है। और कुछ देर बाद रोशनी वहां से चली जाती है। रोशनी के जाने के बाद, दीदी, रोशनी दीदी क्यों आई है? क्या ये भी रक्षाबंधन मनाने आई है? हाँ, ये अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई है। दीदी, अगर हमारा भी भाई होता तो हम भी रक्षाबंधन मनाते ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर भगवान ने हमें तो भाई दिया ही नहीं। आप उदास मत होइए, मैं भगवान से भाई को मांगूंगी और उनसे कहूंगी कि वो हमें भी एक भाई दे दे, जिससे हम भी रक्षाबंधन मना पाएंगे। और ये कहकर रेनू वहां से चली जाती है। रेनू के जाने के बाद, पता नहीं ये रेनू कहाँ चली गई, इसे नहीं पता है कि भगवान इस तरह की किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। और ये कहकर वो अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेनू रोजाना मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि उसे भी भगवान एक भाई दे दे। और धीरे धीरे रक्षाबंधन वाला दिन आ ही जाता है। सभी बहनें खुश होकर अपने भाइयों को राखी बांध रही होती हैं और उनको देखकर रेनू काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसने भी भगवान से भाई मांगा था पर वो अभी तक नहीं आया। दीदी, हमारा तो अभी तक कोई भी भाई नहीं आया। मैंने भगवान से रोजाना प्रार्थना की थी कि वो हमें भाई दे दे, फिर भी भगवान ने हमें भाई नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, हमारे नसीब में रक्षाबंधन नहीं है। और ये कहकर वो अपनी बहन को घर के अंदर ले जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और रेनू अभी तक अपने भाई के इंतजार में बैठी हुई थी। मीनू उसे बहुत समझाती है पर रेनू समझने को तैयार ही नहीं होती। तभी अचानक उन दोनों के घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। मीनू जब दरवाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। उसे देखकर रेनू बहुत खुश हो जाती है। क्या आप मेरे भाई हैं? आप हमसे राखी बंधवाने आए हैं? हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुमसे राखी बंधवाने आया हूँ। तुमने भगवान से मुझे मांगा था ना, तो भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं मीनू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम कौन हो
और तुम अपने आप को हमारा भाई क्यों बता रहे हो? तो वो लड़का मीनू की तरफ देखकर उससे बोलता है, आपकी बहन रोजाना मंदिर जाया करती थी और मैं उसी मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए आता था और आपकी बहन की प्रार्थना सुनता था। जब मुझे पता चला कि आपका कोई भाई नहीं है और इसीलिए रेनू रोजाना मंदिर में भाई मांगने जाती है, तो मैं आप लोगों से राखी बंधवाने आया हूँ। आखिर मैं भी आपके भाई की तरह ही हूँ। ये सुनकर मीनू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद रेनू अंदर से राखी ले आती है और वो उस लड़के के हाथ में राखी बांध देती है और मीनू भी उस लड़के के हाथ में राखी बांधती है। इसके बाद वो लड़का उन दोनों को कुछ रुपए देता है। आज से तुम लोगों को जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना, मैं आज से तुम दोनों का भाई हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। सुनैना देखो मेरे साथ कौन आया है। सुनैना बाहर आती है तो देखती है कि मोहन के साथ गीता और रूपा हाथों में बैग पकड़कर खड़े थे। रूपा और गीता को देख सुनैना का मुंह बन जाता है। अरे आप इनको अपने साथ ले आए? जीजा जी और दीदी तो अब रहे नहीं, तो ये दोनों अकेले वहाँ क्या करती? और अब इनका वहाँ कोई है भी नहीं जिनके सहारे मैं इन दोनों को वहाँ छोड़ देता, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। गीता और रूपा के पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माँ सीमा अपनी दोनों बेटियों को पाल रही थी, लेकिन पति के जाने के बाद सीमा की भी तबीयत सही नहीं रहती थी और 2 साल बाद सीमा भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मोहन सीमा का भाई था जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसी रात सुनैना मोहन पर गुस्सा कर रही थी। क्या जरूरत थी इनको अपने साथ लाने की? पहले क्या काम कम था घर पे जो आप इनको भी साथ ले आए हो? मुझसे इनका खाना नहीं बनता। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मामा हूँ मैं इनका, ये मेरे बच्चे जैसे हैं। बच्चे जैसे हैं? बच्चे तो नहीं है ना, मैंने आपको कह दिया है कि मैं इनकी सेवा नहीं करने वाली। उन दोनों की बातें गीता सुन लेती है और वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रहे हो? रूपा, माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, मामी जी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तो क्या अब मामी मामा जी हमें घर से निकाल देंगे? गीता, हम घर के काम करने में मामी जी की मदद करेंगे तब वो हमसे खुश हो जाएगी। अगले दिन सुबह दोनों बहनें सोई हुई थी, तभी उन्हें सुनैना के बोलने की आवाज सुनाई देती है। ये महारानियां अब तक सोई हुई हैं। ये नहीं कि उठकर घर का थोड़ा सा काम कर लें, यहाँ मुफ्त का खाना खिलाते रहो इनको। गीता जल्दी से रूपा को उठाती है। रूपा जल्दी उठ, हमें मामी जी के काम में मदद करवानी है। गीता की बात सुनकर रूपा भी उठ जाती है और वो किचन में जाती है। अरे मामी जी, आप अकेले ही काम कर रहे हो, हमें उठा देते तो हम आपकी मदद कर देते। तुम्हारी मामा जी को जल्दी काम पर जाना होता है, इसलिए 8 बजे तक खाना बनाना होता है। 8 तो बज गए, मतलब मामा जी तो काम पे चले गए होंगे। मामी जी अभी आप आराम करो, बाकी का काम हम दोनों देख लेंगे। इस तरह वो दोनों बहनें अब से घर का सारा काम करने लगे थे, लेकिन तब भी सुनैना उनसे खुश नहीं होती। 2 दिन के बाद, सुनैना मैं कल रूपा का स्कूल में दाखिला करवा देता हूँ, गीता की तो इस बार 12वीं हो गई है। घर में पहले ही पैसे नहीं है, अब तुम इनकी पढ़ाई पर भी पैसे लुटाते रहो। अपने बच्चे होते क्या तब भी तुम ऐसे ही करती? दोनों बच्चियां पूरा दिन घर का काम करती है तब भी तुम्हें उन पर तरस नहीं आता, कैसी बन गई हो तुम सुनैना। दीदी हमारी वजह से मामा मामी की लड़ाई होती रहती है, इससे अच्छा तो हम यहाँ आते ही नहीं। हमें कुछ करना चाहिए जिससे उनकी कुछ मदद हो जाए। अभी कुछ ही दिनों में राखी आने वाली है, क्यों ना हम राखी बनाकर बाजार में बेचें? हाँ दीदी, पहले हम माँ के साथ राखी बनवाया करते थे, माँ ने हमें कितनी सुंदर सुंदर राखी बनाना सिखाया है, ये एकदम सही आइडिया है।
मेरे पास कुछ पैसे हैं, जल्दी से काम खत्म करके बाजार जाते हैं और सामान ले आते हैं। दोनों बाजार जाकर कुछ सामान ले आते हैं और दोनों बहनें राखियां बनाना शुरू कर देते हैं। रूपा, जितनी राखियां बनी है कल जाकर बाजार में बेच आएंगे और आते समय और ज्यादा सामान ले आएंगे। अगले दिन वो दोनों बाजार जाते हैं और राखियां बेचते हैं। लोग उनसे राखियां लेने लगते हैं। उनके पास बहुत से लोग खड़े थे, तभी वहाँ एक दुकान वाला आता है। मुझे तुम्हारी सारी राखियां लेनी है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये तो हाथ से बनाई राखियां हैं, क्या इन्हें तुम दोनों ने खुद बनाया है? जी, हम दोनों ने ये सारी राखियां बनाई है। क्या तुम दोनों राखियां बनाकर मुझे बेच सकती हो? मुझे तुम्हारी बनाई हुई राखी बहुत पसंद आई, वो सामने वाली दुकान मेरी है। ठीक है, हम कल से आपको ही अपनी सारी राखियां बेच देंगे। इसके बाद वो उन पैसों से राखियां बनाने का सामान लेते हैं और बाकी के पैसे संभाल कर रख लेते हैं। उस दिन वो लोग घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। मामी जी, हमने सारा काम कर दिया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम होगा तो आप आवाज लगा देना। सुनैना गीता की बात का कोई जवाब नहीं देती और टीवी देखती रहती है। गीता और रूपा अपने कमरे में बैठकर राखियां बनाने लगते हैं और सुबह तक वो लोग बहुत सारी राखियां बना लेते हैं। अगले दिन वो फिर से उन राखियों को उस दुकान वाले को बेच आते हैं। ऐसे ही राखी तक वो बहुत सारे पैसे जमा कर लेते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन। 1000 रुपए से क्या होगा भाई, भाभी के लिए तोहफे भी लेने हैं और मिठाई भी, मुझे और पैसे चाहिए। इस बार थोड़ा मेरा हाथ तंग है, तुम इस बार सस्ते तोहफे ले लेना। हाँ हाँ, मेरे घर वालों के लिए तो तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इन दोनों को जो मुफ्त में खाना खिला रहे हो, तब पैसे कहाँ से आते हैं? उन दोनों की बात सुनकर गीता उनके पास जाती है। मामा जी, मामी जी, ये कुछ पैसे है, हमने राखी बनाकर बाजार में बेची थी, उसी से कुछ पैसे जमा किए हैं, आप इसे रख लीजिए। सुनैना और मोहन देखते हैं कि उन्होंने काफी पैसे जमा किए थे। सुनैना पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनसे वो पैसे ले लेती है और अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके चली जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बच्चियां इतनी सयानी हो गई हैं। इतने पैसे तो मैं एक महीने में भी नहीं कमा पाता, जितना तुम दोनों ने कुछ ही दिनों में अपने इस राखी के व्यापार से कमा लिए। शाबाश बच्चों। दोनों बच्चियां अपने मामा जी के गले लग जाते हैं। हरिया नाम का एक आदमी नारियल बेचा करता था। वो हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता, फिर अपने माता पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद लेता और फिर नारियल बेचने जाता था। एक दिन हर रोज की तरह हरिया ने नारियल पानी की ठेली लगाकर उसमें वो नारियल पानी बेच रहा था। तभी वहाँ एक भिखारन आती है। एक आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम खानी है इस भिखारन को, चल भाग यहाँ से। तभी हरिया अपनी ठेली में से एक नारियल उठाता है और उसे उस भिखारन को दे देता है। ये लो, आप नारियल पानी पी लो। वो औरत नारियल पानी पीकर बहुत खुश हो जाती है। अरे क्या जरूरत थी इस भिखारन को नारियल पानी देने की, ये ऐसे ही करते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं, बस मांगना शुरू कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, एक नारियल ज्यादा बेचकर कौन सा मैं अमीर हो जाऊंगा, और इसे एक नारियल देकर ना ही मैं गरीब हो जाऊंगा, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। कुछ ही देर में वहाँ एक आदमी हरिया से नारियल पानी लेता है और एक एक करके लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग हरिया से नारियल पानी खरीद रहे थे और कुछ ही देर में हरिया के सारे नारियल बिक जाते हैं। ये सब गोपी देख रहा था। पता नहीं ये लोगों को क्या हो गया है, इस हरिया से 50 रुपए का नारियल पानी पीकर सभी खुश हैं, लेकिन 10 रुपए की आइसक्रीम नहीं खाते। गोपी, मैं अभी घर चलता हूँ, मेरे सारे नारियल खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। ऐसे ही समय बीतता रहता है। हरिया सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। एक दिन छोटा सा बच्चा वहाँ आता है।
अंकल एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। हाँ हाँ अभी दे देता हूँ। गोपी 10 रुपए की चॉकलेट वाली आइसक्रीम निकालता है और उस बच्चे को देता है और वो बच्चा 5 रुपए का सिक्का देता है। अरे ये आइसक्रीम 10 रुपए की है, 10 रुपए दो, 5 का सिक्का क्यों दे रहे हो? मेरे पास यही है अंकल। गोपी बच्चे से आइसक्रीम छीन लेता है। अगर पैसे नहीं है तो आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी, चलो भागो यहाँ से, पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बच्चा बहुत दुखी हो जाता है। तभी हरिया बच्चे को आवाज लगाता है। आइसक्रीम खानी है तुम्हें? हाँ अंकल जी। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। हरिया उसे अपनी जेब से 10 रुपए निकाल कर देता है। जाओ अब उस अंकल को पैसे देकर आइसक्रीम खा लो। बच्चा खुशी से गोपी के पास जाता है और उससे आइसक्रीम ले लेता है। देख हरिया, तेरी वजह से यहाँ भिखारी बच्चे सब फ्री में चीजें मांगने आ जाते हैं, क्योंकि तूने इन सबको सर पर चढ़ाया हुआ है। तू क्यों इनको ये चीजें बांटता रहता है, जैसे तू खुद तो बहुत अमीर है। हरिया हंसने लगता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन गोपी को हरिया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर तक ही हरिया के सारे नारियल बिक जाते हैं। इधर गोपी की अभी 1-2 आइसक्रीम ही बिकी थी। इस हरिया का तो कुछ करना पड़ेगा, इसकी वजह से लोग आइसक्रीम नहीं खाते, इसी से नारियल पानी पीते हैं। रात हो जाती है। हरिया अपनी नारियल से भरी ठेली अच्छे से ढककर घर के बाहर खड़ा कर देता है। रात को गोपी वहां आता है और नारियल से भरी ठेली को वहां से लेकर जाता है। जब सुबह हरिया उठता है और घर के बाहर वो देखता है कि वहां नारियल की ठेली नहीं थी। हे भगवान, मेरी ठेली कहाँ चली गई? हरिया के माँ बाप भी बाहर आते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे की थैली कहाँ चली गई? तुम दोनों परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। हरिया बहुत परेशान हो जाता है। इधर गोपी जब सोकर उठता है। आज तो मेरी ही आइसक्रीम बिकेगी, आज वो थैली वाला नारियल वाला हरिया तो नहीं आएगा। हरिया एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहाँ एक बच्चा आता है। अंकल क्या हुआ, आप नारियल पानी नहीं बेच रहे? नहीं बेटा, मेरी नारियल से भरी ठेली रात को चोरी हो गई। ये लो, आप मेरी ठेली ले लो। हरिया हंसने लगता है। बेटा ये तो खिलौना है, इसका मैं क्या करूँगा, इसे तो अपने खेलने के लिए रख लो। नहीं अंकल जी, ये मेरी जादुई ठेली है जो मुझे एक दिन मिली थी, देखना आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। हरिया उस खिलौने को लेकर अपने घर आता है और अपने कमरे में रख देता है। रात को सब सो जाते हैं। जब सुबह हरिया उठता है तो वो देखता है कि घर के बाहर नारियल से भरी ठेली पड़ी थी। माँ बाबा देखो मेरी थैली मिल गई। बेटा भगवान कभी किसी का गलत नहीं करता। हरिया अंदर आता है और वो देखता है कि वो जादुई खिलौना वहाँ नहीं था। ये पक्का उस जादुई खिलौने वाली थैली से हुआ है जो मुझे उस बच्चे ने दी थी। हरिया अपनी थैली लेकर नारियल पानी बेचने जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। हरिया बहुत से नारियल पानी बेचता है, लेकिन अभी भी उसकी थैली में उतने ही नारियल थे। ये तो जादुई नारियल है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैंने सुबह से इतने सारे नारियल बेच दिए, लेकिन अभी तक ये उतने के उतने ही हैं। लेकिन ये गोपी आज क्यों नहीं आया? मैं उसके घर जाकर उसे बताकर आता हूँ कि मेरी थैली मिल गई है। हरिया जब गोपी के घर पहुंचता है तो गोपी उदास होकर घर में बैठा था।
अरे गोपी, आज आइसक्रीम बेचने क्यों नहीं आया? वो मेरी ठेली कोई रात को चुरा कर ले गया और उसके बदले ये खिलौने वाली ठेली छोड़ गया है। लेकिन तुम्हारी ठेली भी तो चोरी हो गई थी। हरिया वो खिलौना देखकर सब समझ जाता है कि उसकी नारियल की ठेली गोपी ने चुराई थी और आज जादुई खिलौने ने गोपी की ठेली गायब कर दी। तुम्हें कैसे पता कि मेरी ठेली चोरी हो गई थी? अरे वो मैं तुम्हारे कल घर गया था, तुम्हारे माँ बाबा बात कर रहे थे, तभी मुझे पता चला। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, तू चिंता मत कर, जैसे मेरी ठेली मिल गई, तुझे भी तेरी ठेली मिल जाएगी। और हरिया वहाँ से चला जाता है। गोपी को अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है। मैंने हरिया की ठेली चोरी की और भगवान ने मेरी ठेली ही चोरी करवा दी। अब मैं क्या करूँगा? हे भगवान मुझे माफ कर दे, अब से कभी भी मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा। हरिया को अब जादुई नारियल मिल गए थे जो कभी खत्म नहीं होते थे। अब तो हर रोज बहुत सारे नारियल पानी वो बेचता और खूब पैसे कमाता था। धीरे धीरे हरिया के घर के हालात सुधर जाते हैं। अब उसके घर में जरूरत की सारी चीजें थी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। अब हरिया एक दुकान ले लेता है जहां वो आराम से बैठकर नारियल पानी बेचा करता था और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था।